दोस्तों, अगर आप भी एक मोबाइल फोन यूजर हो तो दोस्तों आपको अपने मोबाइल के बारे में एक बार जरूर से पता करना चाहिए कि कहीं आपके मोबाइल का पूरा सिस्टम जो है वो किसी ने हैक तो नहीं किया है। क्योंकि दोस्तों अगर आपके मोबाइल का पूरा सिस्टम जो है वो किसी ने हैक किया होगा तो वो बंदा जो है वो आपके मोबाइल के सिस्टम को हैक करके जो है वो कोई भी गलत एक्टिविटी कर सकता है। इसलिए दोस्तों आपको एक बार जरूर से चेक करना चाहिए कि आपके मोबाइल का पूरा सिस्टम हैक है या नहीं है। ये आप कैसे पता कर सकते हो, यही आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको जो है वो कुछ सेटिंग के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए जो है वो जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो सेटिंग भी आपने फॉलो करनी है और उन सेटिंगों को भी जो है वो आपने जो है वो चेक करना है कि वो सेटिंग आपकी सही है या नहीं है। उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि आप जो है वो पूरे मोबाइल के सिस्टम को कैसे पता कर सकते हो कि आपके मोबाइल का सिस्टम हैक है या नहीं है। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने कुछ सेटिंग को जो है वो चेक करना है अपने मोबाइल फोन में। आपने करना क्या है, अपनी फोन की सेटिंग पर करना है क्लिक। फोन की सेटिंग पर क्लिक करने के बाद में आपने नीचे की तरफ को स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे की तरफ को स्क्रॉल डाउन करने के बाद में जैसे कि यहाँ पर आपको मोर सेटिंग वाला ऑप्शन दिखेगा तो आपने मोर सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मोर सेटिंग पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर जो है सिक्योरिटी वाला ऑप्शन दिखेगा। दोस्तों आपके मोबाइल फोन में कहीं भी हो सकता है, जैसे कि मेरे यहाँ पर जो है वो मोर सेटिंग में जाकर है। आपके मोबाइल फोन में अगर सर्च वाला ऑप्शन होगा तो आपने सिक्योरिटी वाले ऑप्शन को जो है वो सर्च कर लेना है और उस पर कर देना है आपने क्लिक। जैसे दोस्तों आप सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे उसके बाद में आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर एक सेटिंग चेक करनी है, नोटिफिकेशन एक्सेस। तो दोस्तों आपने करना क्या है, जैसे कि मेरे यहाँ पर जो है वो नीचे की तरफ लिखा है 4 एप्स कैन रीड नोटिफिकेशन। तो आपने करना क्या है, आपने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपने नोटिफिकेशन एक्सेस वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपने यहाँ पर चेक करना है कि आपके यहाँ पर जो है वो कोई भी ऐसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन तो नहीं है, कोई भी ऐसा अनजान ऐप आपको यहाँ पर तो छोड़ तो नहीं हो रहा जिसको आपने जो है वो नोटिफिकेशन एक्सेस दिया है जो आपके जो है वो नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आपके मोबाइल फोन में कोई भी OTP आएगा या कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा तो वो अगर आपके यहाँ पर जो है वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का नाम होगा और उस पर जो है वो सिलेक्ट होगा तो वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो है वो आपके नोटिफिकेशन को पढ़ पाएगी और वो एप्लीकेशन जो है वो आपके नोटिफिकेशन का जो है वो आपके OTP वगैरह का जो है वो गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। तो आपने यहाँ पर चेक करना है आपके यहाँ पर जो है वो अगर कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपको शो हो रही है जिसको आपने जो है वो नोटिफिकेशन एक्सेस दिया है, तो अगर आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन दिख रही है तो सबसे पहले आपने यहाँ पर जो है वो उससे टिक हटा देने। जैसे आप उस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे उसके बारे में आपने जो है वो डिसेबल कर देने। जैसे दोस्तों आप डिसेबल कर दोगे उसके बारे में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों पहले नंबर पर तो आपकी ये होगी कि आपने यहाँ पर जो है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को जो है एक्सेस नहीं देना है। बैक जाने के बारे में आपको यहाँ पर दिखेगा गूगल वाले ऑप्शन, तो आपने गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपने नीचे की तरफ को स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे की तरफ को स्क्रॉल डाउन करने होगा जैसे ही आप, उसके बारे में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पर्सनल सेफ्टी। तो आपने सिंपली से यहाँ पर करना है क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको फिर यहाँ पर दिखेगा अननोन ट्रैकर अलर्ट्स, तो आपने सिंपली से यहाँ पर कर देना है क्लिक। जैसे ही दोस्तों आप यहां पर क्लिक कर दोगे उसके बारे में आपने करना क्या है, उसके बारे में आपको यहां पर जाए जैसे कि ये आपकी सेटिंग जो है वो ऑन रहनी चाहिए। दूसरे नंबर पर जो है वो जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे तो आपने जो है वो अपनी ब्लूटूथ को जो है वो ऑन कर लेने। जैसे दोस्तों आप ब्लूटूथ को ऑन कर लोगे उसके बाद में आपको यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मैनुअल स्कैन, तो आपने सिंपली से जो है वो स्कैन करना है। दोस्तों आपको जैसे ही यहाँ पर स्कैन करोगे उसके बारे में यहाँ पर जाए वो स्कैन होने लग जाएगा। अगर तो दोस्तों आपको यहाँ पर जाए नो ट्रैकर डिटेक्ट मिल रहा है, इसका मतलब दोस्तों आपको जाए वो कोई भी बंदा जो है वो ट्रैक नहीं कर रहा है। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर जाए वो नो ट्रैकर डिटेक्ट की बजाय जो है वो कोई और ऑप्शन दिख रहा है, इसका मतलब दोस्तों आपको कोई बंदा जो है वो ट्रैक कर रहा है, आपके मोबाइल फोन को जो है वो कोई ट्रैक कर रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पता कर सकते हो कि आपके मोबाइल का पूरा सिस्टम हैक है या नहीं है। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपने अपने फोन के डायलर पैड में चले जाना है। जैसे ही आप अपने फोन के डायलर पैड में चले जाओगे उसके बाद में आपने यहाँ पर जो है वो एक कोड डायल करना है जो है *#62#। आपने ये कोड जो है वो डायल कर देने हैं। जो भी सिम से आप चेक करना चाहते हैं आपने जो है वो सिंपली से डायल कर देने हैं। उसके बाद में दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर ये डायल कर दोगे उसके बाद में आपको यहाँ पर जाए वो यहाँ पर जाए थोड़ी सी देर बाद में ऑप्शन वो होंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा होगा कॉल फॉरवर्डिंग। जैसे कि मेरे यहाँ पर दो ऑप्शन है, आपके मोबाइल फोन में काफ़ी सारे ऑप्शन भी हो सकते हैं, तो आपने उन सभी ऑप्शन में चेक करना है कि उन सभी ऑप्शन में जो है वो नॉट फॉरवर्ड है। अगर तो नॉट फॉरवर्ड है सभी ऑप्शन में, इसका मतलब दोस्तों आपके मोबाइल के सिस्टम को जो है वो किसी ने हैक नहीं किया है। अगर दोस्तों यहाँ पर जो है वो नॉट फॉरवर्ड की बजाय जो है वो किसी ऑप्शन में जो है वो फॉरवर्ड लिखा है तो
दोस्तों आपके मोबाइल फोन के सिस्टम को जो है वो किसी ने हैक कर लिया है, आपको उसको ठीक करने के लिए करना क्या होगा। आपको जैसे कि आपको यहाँ पर जो है वो किसी ऑप्शन में जो है वो फॉरवर्ड दिखाई दे रहा है या आपको ऊपर की तरफ जो है वो कोई अननोन नंबर शो हो रहा है, इसका मतलब दोस्तों आपके सिस्टम को जो है वो किसी ने हैक कर लिया। आपको उसको ठीक करने के लिए करना क्या होगा, आपने यहाँ पर जो है वो फिर से एक कोड डायल करना है जो है #002 है, आपने ये कोड को जो है वो डायल कर देने। जैसे दोस्तों आप इस कोड को डायल कर दोगे उसके बारे में दोस्तों अगर आपका जो है सिस्टम किसी ने हैक भी किया हुआ तब भी आपका सिस्टम जो है वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो आज मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो। दोस्तों अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।